झाबुआ जिले के झगनावदा में लाखों रुपए की लागत से नगर के सौंदर्यकरण के लिए पूर्व में नगर परिषद द्वारा बगीचे का निर्माण किया गया था, जिससे कि नगर की जनता पल दो पल के लिए वहां टहल सके और बच्चे झूले चक्री का लुत्फ उठा सके। लेकिन बगीचा आज दिन तक अपनी मूलभूत सुविधा को लेकर आंसू बहा रहा है। पूर्व नगर परिषद इस बगीचे को मूल रूप नहीं दे सकी, इसी कारण बगीचे में हुए कार्य में काफी अनियमितता के कारण आज भी अधूरा रह गया, जिसमें नगर वासियों को आज तक इस बगीचे की सौगात नहीं मिल पाई है। वही वर्तमान की नगर पालिका ने परिषद की बैठक में बगीचे को हटाकर नवीन दुकानों का निर्माण करने का एजेंडा तैयार करने में जुटी है। आज भी नगर परिषद के कर्मचारी बगीचे में लगे उपकरणों खोलने आए कार्य कर रहे थे, तभी मीडिया के कैमरे को देखकर कर्मचारी खोलते हुए अधूरा छोड़कर चले गए। इस संबंध में पूर्व नगर परिषद के उपाध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी से चर्चा की तो उन्होंने इस बगीचे में कार्य में कई भ्रष्टाचार होने की बात कही है। झकनावदा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। ये पूर्व रूप कुछ नहीं है, ये तो क्या भ्रष्टाचार का साधन है और इसको मैंने विगत 15 वर्ष पूर्व भी इसको जन आंदोलन के तरह उठाया था और 15 दिन का मैंने हमारा अनशन भी रखा था। उसके बाद इसकी फाइल टोटल लोकायुक्त में चल रही है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इसमें 58 लाख रुपए नगर पालिका द्वारा अघोषित रूप से दिए गए हैं और उसमें पेटी कंट्रेक्टर के द्वारा दिया गया पेमेंट है और इसके अंदर 1 रुपए का भी कोई काम नहीं हुआ। और पेटलाद की जनता के लिए और बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन थे, जिसमें इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सब निकाल के इनने बेच दिए हैं और अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम मोटरें वगैरह वो सब बेच दिए, सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखावा रह गया। क्या इसके लिए कुछ आंदोलन किया था आपने? इसके लिए मैंने 15 दिन का आंदोलन किया था करीब और हमारा अनशन किया था। उसमें हमारी श्रीमती रेलमबेन चौहान आई थी और उन्होंने हमारा अनशन तोड़वाया था कि नहीं आप रुक जाइए, आपकी इसकी बराबर जाँच होगी। लेकिन अभी तक उस जाँच का कोई पता नहीं और ये जिसकी जो फाइल है लोकायुक्त में पड़ी हुई है। क्या नाम आपका? सुरेंद्र भंडारी, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, पेटलावद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।